हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं हूँ प्रियंका और यहाँ आज मैं बनाने जा रही हूँ ये ककोड़े की सब्जी, ये या फिर आप इसे मीठा करेला भी बोल सकते हो। नहीं पता है जिनको, वो ककोड़े के नाम से इनको ले सकते हैं। मुझे भी पहले नहीं पता था, यहीं आके मैं बनाने लगी हूँ। हमारे वहाँ नहीं बनती थी ये सब्जी। तो सबसे पहले मैं इनको धो लेती हूँ। धुलने के बाद इनको करेले की तरह ही छीला जाएगा, मतलब रगड़ के इस तरह से। आपको पहले एक बार दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं छीलने बैठ जाऊंगी। तो जैसे ये है, ये आपको ऐसे कांटेदार सा दिखेगा। यूं हाथ लगाओगे इस पे तो ये कांटे कांटे से दिखाई दे रहे होंगे शायद आपको। तो इस तरह का होता है ये, और इसका साइज है मीडियम साइज के, जैसे आलू होते हैं उस तरह का साइज है इसका। चलो अब मैं काट लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको सब्जी। तो यहाँ पे अब ये प्याज मैं काट लूंगी, और प्याज इस तरह के काटने हैं, लंबे, ज़्यादा पतले करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मोटे मोटे से ही रखने हैं, जैसे हम करेले की सूखी सब्जी बनाते टाइम काटते हैं, सेम उसी तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीन चार मैंने प्याज इस तरह से काट लिए हैं। अब मैं रख देती हूँ कढ़ाई, पहले तेल डाल दूंगी। तेल उस साइड में मैंने रख दिया है, इतने में इनको काट लूंगी। और ये इस तरह के होते हैं अंदर से, जो पके हुए बीज होते हैं वो आप निकाल दो, बाकी सब काट लो जैसे करेले में होता है। तो ये आसानी से कट रहा है इस तरह। तेल हो जाने के बाद जीरा, प्याज, तो ये मेरे कट चुके हैं, इनके ऊपर ही मैंने ये दो हरी मिर्च काट दी हैं। तो जब मेरे ये प्याज थोड़े से ही पिंकिश कलर के हुए हैं, क्योंकि ये इकट्ठे ही पकेंगे, ज़्यादा मतलब अलग अलग इनको भूनना नहीं है प्याज को, बस इस तरह से मैं मिक्स कर दूंगी। हल्दी मैंने डाल दी है, अब मैं डाल रही हूँ नमक। ताकि लाल मिर्च मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि हरी मैंने डाल दी है मिर्च, क्योंकि मैं बहुत कम डालती हूँ सब्जियों में। तो बस ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी, बीच बीच में इसको चलाती रहूंगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसी बनी है। ये सब्जी बन के हो चुकी है रेडी। अब मैं इसमें खट्टेपन के लिए नींबू निचोड़ दूंगी। तो ये बिल्कुल इस तरह की बनेगी, मीठा करेला इसको बोलते हैं, और ये खाने में भी करेले जैसे ही टेस्ट होता है इसका, बस ये कड़वा नहीं होता, उसमें वो कसैलापन होता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल का है व्रत एडिटिंग करते टाइम, तो वैसे आज का ही व्रत है, 24 तारीख आज है। तो फ्रिज की मैंने क्लीनिंग की थी, तो ये बॉटल भी मैं साफ़ करने लग गई पानी की, क्योंकि व्रत है तो पानी तो हम पे ही लेते हैं व्रत में, शाम के बाद 4 बजे के बाद। तो इस तरह से मैं इसमें ये सरफ पाउडर डाल रही हूँ, और फिर झाग बना लूँगी पानी से इसका, और अंदर से फिर ब्रश मार दूँगी, जो ये ब्रश रखा हुआ है बॉटल साफ़ करने वाला। और उसके बाद मैं ये जूना ले लेती हूँ, जूने से फिर बाहर से रगड़ देती हूँ इनको। लेकिन है ना, जो इनकी डिज़ाइनिंग होती है ना, उनमें अच्छे से क्लीन होता नहीं है, कई बार काला काला सा मतलब गंदगी सी लगी रह जाती है, और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये टूथब्रश ले रखा है, किचन के छोटे मोटे काम मैं इससे कर लेती हूँ। ये किचन का ही ब्रश है मेरा, एकदम न्यू है ये। तो बस इससे ये, एक तो ये बॉटल का जहाँ ढक्कन लगता है वहाँ से मैं इसको साफ़ कर लूँगी, वहाँ पर लाइन सी बनी होती है तो वहाँ पे गंदगी हो जाती है, तो ये जो ब्रश होता है उसकी हेल्प से काफ़ी अच्छे से वो निकल जाती है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे आ गया था बीच में एक बार सब्जी वाला, तो मैं सब्जी लेने भी चली गई थी। और इसके बाद
मैं इनको अच्छे से पानी से धो लूँगी। पहले मैंने इनको यहीं ठंडे पानी से ही धो लिया था और फिर इसमें एक बार मैंने निवाया पानी भी डाल दिया था गुनगुना सा करके, क्योंकि प्लास्टिक की है, गर्म पानी तो मैं डाल नहीं सकती इसमें, तो गुनगुना सा पानी करके मैंने इनको एक बार इसमें डाल दिया था और अच्छे से हिला के वॉश कर लिया था, क्योंकि सर्फ़ की डिटर्जेंट की हमारे की थोड़ी सी भी महक ना रह जाए पानी में, इसलिए। तो आप भी इसी तरह से एक ब्रश अपने किचन में ज़रूर रखा करें। मैं आपको और भी बताऊंगी कि मैं ब्रश की हेल्प से क्या क्या साफ़ कर लेती हूँ किचन का। तो ये ब्रश का आइडिया मुझे भी किसी ने दिया था, तब से मैंने एक ब्रश लेके ही रखा हुआ है और मैं चेंज करती रहती हूँ, जैसे मतलब इसके आगे के ये ख़राब हो जाते हैं तो मैं नया ब्रश ले लेती। ये मैंने आटे वाली जो बाल्टी होती है वो मैंने धूप में धो के सुखा रखी थी इस बार, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत दिन हो गए हैं धोए, तो वो मैं उठाने आ गई थी। और यहाँ मैंने धनिया रखा हुआ था, वो मैं धनिया उठाने आ गई थी। यहाँ मैं बनाने आ गई हूँ पंजीरी का प्रसाद, धनिया की पंजीरी। जैसा कि आप सबको पता है वो ये जन्माष्टमी के व्रत में वो बनानी ही होती है, बनाई ही जाती है। जो लोग नहीं बनाते वो मंदिर से भी ले आते हैं, तो प्रसाद के तौर पे मतलब पंजीरी से ही प्रसाद खुलता है, सॉरी व्रत खुलता है। कन्फ्यूज हो रही हूँ बोलने में, पता नहीं क्या हो रहा है, जुबान लड़खड़ा रही है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है। अब इसमें डाल देते हैं एक चम्मच घी। मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही प्रसाद बनाऊंगी, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाऊंगी, क्योंकि देखो वही वो हम प्रसाद के ही तौर पे खाते हैं, टेस्ट में बहुत ज्यादा वाला वो हमारा फेवरेट है नहीं, ना मेरा ना मेरे हस्बैंड का। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे ताल मखाने, ये हलवा प्लेट जिसको बोलते हैं, हलवा कटोरी भी बोलते हैं, तो वो मैंने एक ले लिया ताल मखाने की। और अब मैं इसको डाल दूंगी यहाँ कढ़ाई में, मतलब कच्चा कच्चा सा पन जो होता है ना वो थोड़ा सा मैं दूर कर दूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी इसको। ये कि उसके भूनने के बाद ना ये क्रिस्पी हो जाते हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। जब तक ये मेरे भून रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर ये गोला ले आई हूँ और फटाफट से घिस लेती हूँ इसको। ये कल के लिए है बेटा, कल जय जय ना भगवान जी का हैप्पी बर्थडे। भगवान जी को खिलाएंगे। किसको खिलाएंगे हम? भगवान जी को। अच्छा ये बता दो, इनको नहीं पता कल कौन से भगवान जी का बर्थडे है? कृष्णदा। हाँ जोर से बताओ, कृष्णदा। यहाँ पे ये मखाने मेरे हो चुके रेडी, अब मैं इसको इसी में निकाल ले रही हूँ। ये मैंने निकाल लिए, इसके बाद मैं थोड़ा सा घी और डाल दूंगी इसमें। बेटा बहुत गर्म है, टच मत करना कुछ भी चीज। ये गोला अब मैं इसमें डाल दूंगी, घिसा हुआ गोला है। मैंने साबुत निश्चय के लिए नहीं डाला है और ना ही मैं इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डालूंगी, क्योंकि निश्चय साबुत जो ड्राई फ्रूट होता नहीं है, तो इसलिए बस ये घिसा हुआ गोला मैंने डाल दिया है। वैसे तो इसने कटा हुआ गोला ज़्यादा टेस्टी लगता है, बस अपने बेटे के कारण मैं ये इस तरह का डाल रही हूँ। निश्चय को ताल मखाने काफ़ी पसंद है, तो मतलब ताल मखाने तो मैं हर एक चीज़ में डाल देती हूँ, खीर वीर में भी, और बाकी सारी चीज़ अगर डालती हूँ तो पीस के मुझे डालनी पड़ती है। हाँ बेटे, नहीं लड्डू खत्म नहीं हुए, जूठे हाथ मत लगाओ। इसके बाद है ये किशमिश, ये भी इसी तरह फ्राई कर लूँगी। और अब इनको भी निकाल लूंगी बाहर। बाद अब थोड़ा सा घी और डाल दूंगी। ये धनिया पाउडर जिसको मैंने पीस लिया था, और पीसने के बाद मैंने इसको छान लिया था आटा छानने वाली छलनी में से, बारीक छलनी में से। पहले उसको धो के मांझ के सुखा के फिर उसमें से मैंने छाना था। एक कटोरी ये मैंने ले लिया, कोई भी कटोरी आप ले सकते हो भाई। तो इसका कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब ये भून के मेरा रेडी हो गया है। गैस कर दूंगी बंद, अब इसको मैं निकाल लूंगी प्लेट में।
ये सारे जो भी ड्राई फ्रूट मैंने भुने थे, किशमिश, दाल मखाना और ये गोला, ये सारे इसमें डाल दूंगी। और ये जो चीनी है पिसी हुई, मतलब बूरा है ये तो, लेकिन अगर आपके पास बूरा अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी पीस के डाल सकते हो। ये अपने अकॉर्डिंग लेनी है भाई, क्योंकि अगर ये भरी कटोरी थी, मैं आपको कम मीठा पसंद है तो आपको आधी लेनी है, और तेज़ मीठा पसंद है तो आपको सेम क्वांटिटी में लेनी है। लेकिन मैंने ये पौनी सी ले ली है, मतलब आधी से थोड़ी सी ऊपर। और अब मैं ये मिक्स कर दूंगी इसमें, अभी नहीं कर रही हूँ, बहुत गर्म है ये, पहले ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं ये इसमें मिक्स कर दूंगी। तो अब ये यहाँ पे ठंडा हो गया है, इसमें ये बूरा मिला दूंगी। चम्मच से नहीं हो पा रहा भाई मुझसे, मैं तो ऐसे हाथ से ही मिला दूंगी। तो यहाँ पे ये पंजीरी प्रसाद बन के हो चुका है रेडी, आप भी जरूर इस तरह से ट्राई कर सकते हो। ये मैं आप तक पहुँचा दूंगी कल बनाने से पहले ही, ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, मतलब टेस्ट एकदम से टोटली चेंज हो जाता है। लास्ट टाइम से ही मतलब मैं इस तरह से बना रही हूँ, पहले तो सिंपल ऐसे ही धनिया पीसा और उसमें बूरा मिला दी, बस ऐसे ही बनाया करती। अभी मैं वो पंचीरी का प्रसाद बना के आ चुकी हूँ अपने रूम में सोने के लिए, क्योंकि वो प्रसाद मैंने बनाया था लगभग रात के 9:30 बजे, अभी बज गए हैं पूरे 10, तो उसके बाद मैंने अपने छोटे मोटे काम निपटाए। अच्छा अभी बोल रही हूँ भाई, मेरा बेटा रूम में नहीं है। अच्छा निश्चय तो आज बाहर गया कहीं, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा, तो घूमने गया, मैंने बोल दिया तू बना दिया इनको, है ना, आवाज नहीं करो छुन जाएगी फिर, ठीक है डन डबू। निश्चय नहीं है रूम में, अच्छा निश्चय तो बाहर जा रहा है। हाँ मेरे बेटे ने ही बोला था मैं आपको ऐसे बोल दूँ, है ना बेटा, है नहीं वैसे मेरा बेटा यहाँ पे, और क्या, चलो हम तो अपनी बात करते हैं, निश्चय नहीं आज यहाँ पे। तो उसके बाद मैं आज की हूँ रूम में, तो भाई ये तो हर लेडीज़ का काम होता है, दिन में जो 24 घंटे होते हैं ना, तो उसमें से मुझे लगता है कि हमारा 70% टाइम तो है ना सोने का टाइम अलग निकाल के रात को, मतलब मोस्टली हमारा किचन में ही चला जाता है। तो बस ऐसे ही होता है कि थोड़ा बहुत बाहर का काम देखा, इधर का काम देखा, उधर का काम देखा, और फिर घुस गए अपनी किचन में। तो पता है वैसे तो मैं बनाने को कल भी बना लेती, क्योंकि कल खानी है वैसे तो वो, और वो भी रात के 12 बजे, लेकिन ये है कि मुझे लगा कि यार कल भी तुझे ही करना है, जब तूने धनिया वनिया पीस के रेडी करके रख ही लिया है तो चल अभी बना ले। और यही रहता है हम लेडीज़ को कि चल जो नहीं पड़ जाए वो ठीक है, क्योंकि हमारे काम ऐसे होते हैं किचन वाले जो ज़िंदगी भर में ही ख़त्म होने वाले और होंगे भी नहीं, जब तक हम जी रहे हैं तब तक वो तो हमारे साथ ऐसे चलते ही रहेंगे। तो धनिया रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, पंजीरी वो भी, और जो करेले वाली सब्जी आज मैंने आपके साथ शेयर की है, नहीं कर रही देखो, हाँ तो फिर वो दोनों ही मतलब हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती हैं, आप एक बार उनको ट्राई ज़रूर कर सकते हो। तो चलो यहीं पे कर देती हूँ आज की वीडियो को एंड, मिलूँगे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद आएगा एक बेल आइकन बना उसको प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है, कमेंट करना ऑल्सो बिल्कुल फ्री होता है, तो फ्री की चीज़ें फटाफट कर दिया करो। तो चलो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको निश्चय को, जो बहुत देर से रूम से बाहर गया हुआ था। निश्चय बोल रहा था मेरे को, मम्मा जब बाय करोगे तब लेके आना, तो ये बैठा और झूठ बहका रहा था आप सबको। तो चलो कर दो एक बार बाय बाय, फिर बोलोगे आप। वीडियो का एंड करने के बाद मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, तो आज है जन्माष्टमी, तो मुझे लगा चलो भाई आज सुबह सुबह की छोटी सी क्लिप में इसमें और ऐड कर देते हैं, क्योंकि आज का वीडियो तो कल तक आपके पास पहुंचेगा। तो जन्माष्टमी आप लोग सेलिब्रेट कर चुके होंगे, जो 24 तारीख को सेलिब्रेट करने वाले थे उनकी भी जन्माष्टमी हो चुकी होगी, तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। आप सभी को जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत 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 मुबारक हो। तो यहाँ मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, बाकी की बातें करते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में, तो चलिए
बाय बाय।